Assalamualaikum and welcome back to my channel, guys. I hope you all are doing well. So, आज मैं लेकर आई हूँ मेरे Instagram पे जो सबसे ज़्यादा request की गई हुई recipe है वो that is this chicken hot and sour soup. और ये कोई authentic recipe नहीं है, ये मेरी recipe है जैसे मैं बनाती हूँ और मैंने जब भी बनाया उसकी बहुत तारीफ हुई है. तो आप लोग भी ज़रूर try कीजिएगा और आप लोगों को कैसा लगा मुझे comments में ज़रूर बताइएगा. So now let's head over to the recipe. तो सबसे पहले हम start करेंगे यखनी से. चिकन की हमने यखनी बनानी है, उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 leg piece, 2 thigh के piece और 2 breast के piece. अच्छा, अब होता ही है कि हड्डियों का जो है ना वो बेसिकली यखनी बनती है. तो आप अगर थोड़ा सा सूप बना रहे हैं तो आप 1 breast piece डाल दें और साथ आप पिंजर डाल दें, जैसे गर्दन होती है या जो विंग्स होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स बेसिकली, नॉट द स्पेयर पार्ट्स टेक्निकली, बट जो हड्डियों वाले स्पेयर पार्ट्स होते हैं. आई होप यू गेट व्हाट आई मीन. बट एनीवेज़, क्योंकि पता चले आप इसमें कलेजी पोटा डाल रहे हैं बट वो नहीं डालना. एनीवेज़, इसको आपने उबलने के लिए रख देना है और उसके अंदर साथ अपने अपने जायके के हिसाब से नमक और काली मिर्च ऐड कर लेनी है. अब सीन ये है कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, बिकॉज आप बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं. ज़्यादा हो जाए तो फिर वो कम करना मुश्किल होता है. सो बस अभी थोड़ा सा अपने हिसाब से डाल दें. इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डालना है और उसको उसके बाद हिला के चम्मच और पकने के लिए रख देना है चूल्हे के ऊपर. अच्छा, मेक श्योर करें कि आप पानी थोड़ा सा ना, जितना आपको सूप बनाना है ना या जितनी आपको यखनी चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखें पानी, क्योंकि थोड़ा सा ज़ाहिर है वो उबलते उबलते कम भी होगा पानी. अच्छा, आपने क्या करना है कि इसको फुल आंच पे भी रख देना है. जब ये घंटा डेढ़ पकता रहे, लेकिन आपने जब इसको एक दफ़ा उबाला आ जाता है ना तो उसकी आँच आपने हल्की कर देनी है, ताकि मीडियम आँच पर, बहुत हल्की पर भी नहीं बट मीडियम आँच पर ये पकता रहे घंटा डेढ़, ताकि हड्डियों का जो है ना वो सही रस निकल जाए सूप में. अच्छा, फिर जब ये इस तरह का ऊपर फोम आ जाएगा ना तो आपने इसको चम्मच के साथ साइड पे निकाल लेना है और इसको फेंक देना है सिंक के अंदर. हाँ जी, ठीक है, ये मेरे बच्चे भी पीछे साथ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो कि करना क्या है. फोम रिमूव होने के बाद ये इस तरह देखिएगा और बस इसको आपने जो है ना अब पकने देना है घंटा डेढ़, बेशक 2 घंटे. तो अब आपकी यखनी हो गई है तैयार और इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि आप देख सकते हैं कि हड्डियों का जो जूस है या रस है वो निकल आया है. ये ऊपर एक ऑयल की जैसे तह जैसी बन गई है, लेयर जैसी आ गई है आपकी यखनी के अंदर. बस अब आप अपना चिकन निकाल के साइड पे एक किसी बोल में डाल के रख लेंगे और उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे. जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप उसको जो है ना वो रेशा रेशा कर लेंगे, हड्डियों से अलग कर लेंगे और हड्डियों को डिस्कार्ड कर देंगे. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने जो रेशा किया वो चिकन है उसको एक पैन में लेना है विद सम ऑयल और उसको हल्का सा आपने बस मिक्स कर लेना है. उसके बाद आप उसके अंदर जितनी भी आपकी जो वेजिटेबल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हो सूप के लिए, मैं डालती हूँ कॉर्न, मैं डालती हूँ कैरेट्स और मैं डालती हूँ मशरूम्स, बस उनको आपने जो है ना वो काटा पीटी जो भी करके और आपने डाल देना है अपने इस मिक्सचर में. इसको हल्का सा आपने मिक्स कर लेना है ताकि जो चिकन है ना वो सिर्फ उबला उबला हुआ टेस्ट ना आए जब आप उसको खाएंगे. खैर, मैं आपको सिर्फ हल्का फुल्का इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज ये दोनों हाथों से आपने करना है. फुल आंच कर दें और आपने बस एक हाथ से पकड़ लेना है अपने पैन को और दूसरे हाथ से जो है ना वो बस तेज आँच करके और आपने इसको ऊपर नीचे मिक्स करते रहना है. सो खैर, ये जब आपका रेडी हो जाएगा आप इसको साइड पर बेशक किसी बर्तन में निकाल के या एज़ इट इज़ आप रख दें. अब आपका मेन स्टेप आ जाता है जिसमें हमने सब कुछ असेंबल करना है. तो यखनी आपने चूल्हे पे रख देनी है और उसके अंदर आपने ये सब कुछ जो है ना डाल देना है. अब क्योंकि चूल्हे पे वो यखनी थोड़ी सी पकड़ी होगी साथ साथ और भी, तो आपकी गाजर भी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी इतने में. उसके बाद आपने एक अलग बोल में ये अंडे फिटे हुए लेने हैं और इनको आपने हल्का हल्का जो है ना वो ऐड करते जाना है अपने इसके अंदर और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है. अब मैंने इसलिए वो ऐड करते हुए नहीं दिखाया क्योंकि आपको एक हाथ से वो डालना है और एक हाथ से आपने साथ साथ इसको चम्मच को हिलाते रहना है. सो आई नीड बोथ ऑफ माई हैंड्स फॉर दैट. तो बस ये आहिस्ता सा जो है ना आपका इस तरह बन जाएगा. अच्छा, अब एक काम आपने ये करना है कि मेक श्योर करें कि जब आप ये डाल रहे हैं ना तो आपका जो सूप है या आपकी जो यखनी है उसको उबाला उस वक्त आ रहा है, वो उबल रहा है. नेक्स्ट, अब आपकी आ गई सॉसेस. सॉसेस के लिए मैं ये हॉट सॉस ले रही हूँ. आप शंग्रीला की भी ले सकते हैं, आप नेशनल की भी ले सकते हैं. ये आपने अगेन अपने यार अंदाजे से डालना है. मैं सब कुछ बहुत अंदाजे से डालती हूँ. नेक्स्ट अप आपका सोया सॉस है. ऑलवेज स्टार्ट विद अ लिटिल बिट एंड देन यू कैन ऐड मोर टेस्ट कर करके. एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना. सोया सॉस का आपने अंदाज़ा अपने हिसाब से रखना है कि आपका सोया सॉस में भी नमक होता है. सो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि नमक कम ही रखें, बिकॉज आप जब ये सॉसेज ऐड करेंगे तो उनमें भी सब में ऑलमोस्ट नमक अपना एडिशनल होता है. साथ साथ आप इसको मूव अराउंड करते रहे, हिलाते रहे. फिर अब आपने अपना सिरका और डाल लिया. हमने याद है शुरू में डाला था सिरका, लेकिन वो हमने बहुत थोड़ा सा डाला था. अब आप अपने अंदाजे से और सिरका डाल लेंगे. ये क्योंकि मैं बहुत बड़ा देचका भर के बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना अंदाज़ा खुद कर लें. साथ साथ बेशक थोड़ा थोड़ा चखते जाएँ और अपने हिसाब से फिर ऐड करते जाएँ. बस उसके बाद आपने मेक श्योर करना है हर सॉस डालने के बाद आपने चम्मच ज़रूर हिलाना है. नेक्स्ट अब जो मैं डालती हूँ वो है वर्सेस्टरशायर सॉस. अब ये अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो बेशक ना डालें, बट आई एब्सोल्युटली लव इट इन माय सूप.
देन वी हैव ऑयस्टर सॉस। अब ऑयस्टर सॉस मुझे पता है आसान नहीं है मिलना, लेकिन इससे जो है ना वो एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाता है आपके सूप में। लेकिन एक बात याद रखना कि ऑयस्टर सॉस भी एक एक्वायर्ड टेस्ट है, हर किसी को पसंद नहीं आती, तो ये अब आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको पसंद है या नहीं पसंद तो उस हिसाब से आप डालें। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, वो आपने ये डालनी है चिली गार्लिक सॉस। ये भी अब आप शंग्रीला की डाल लें, नेशनल की डाल लें, जिस भी कंपनी की आपको मिलती है वो आप डाल लें, और आप इसको जो है ना वो, मैं ये पूरा जो पैकेट है ना वो डाल देती हूँ इसके अंदर। अब लोग जो है वो नॉर्मल केचप भी यूज़ करते हैं, बट आई लाइक टू यूज़ चिली गार्लिक सॉस। सो वो भी आपकी अगेन चॉइस है कि अगर आप नॉर्मल केचप डालें या आप ये चिली गार्लिक डालें। बट मेरे कहने पर चिली गार्लिक डाल के देखें, मेरे कहने पर ये पूरा एज इट इज़ बना के देखें, ना पसंद आया तो मैं कुछ नहीं करूँगी, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन रिस्क है, एक बार लेके देखें। अभी तक जितनों ने पिया है आई थिंक 99% लोगों ने को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बस ये अब आपका सूप बेसिकली रेडी हो गया है। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने इसको गाढ़ा करना है। उसके लिए अब हम ये अलग एक बोल में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेंगे या कॉर्न स्टार्च, जो भी आपको ईजिली अवेलेबल है, और आप उसको ठंडे पानी में, रूम टेम्परेचर पानी में, गर्म पानी में नहीं, मिक्स कर लेंगे। एंड देन स्लोली स्लोली एड इट टू योर सूप, और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। मेक श्योर करें कि आप साथ साथ चम्मच हिलाएं। ये मेरे से गलती हुई थी इस वक्त कि मैंने साथ साथ चम्मच नहीं हिलाया था वीडियो के उसमें, लेकिन मेक श्योर करें कि जब आप डाल रहे हैं एक हाथ से आप हल्का हल्का डालते जाएं और दूसरे हाथ से आप चम्मच हिलाते रहें। एंड द सूप इज़ रेडी। इसको ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा गाइस। अगर आप लोगों को पसंद ना आया ना तो बेशक जो मर्जी मुझे कमेंट्स में कह रहे ना, लेकिन सीरियसली इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। ऑल्सो स्मॉल टिप दैट आई वुड लाइक टू एड ओवर हियर इज़ कि आपने जब इसको गाढ़ा करना है ना, तो जितना आप उस वक्त सर्व करें सिर्फ उतना ही पोर्शन अलग एक देगचे में निकाल के यखनी का, और उसको जो है वो फिर आप गाढ़ा करें एंड देन सर्व इट। पूरे को आप गाढ़ा नहीं करें कॉर्नफ्लावर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। बाय।